फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, मेडलव पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले जो हमारे पास मेडलव ने जो है पीरियोडिक टेबल दिया, जो मेडलव ने पीरियोडिक टेबल दिया, उसने जो है एलिमेंट्स जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में हैं उसको एटॉमिक मासेस के आधार पे अरेंज किया, और उसको जो है मॉसले ने गलत बताया। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं कि मेडलव ने क्या क्या बताया। ठीक है, इन 1869 मेडलव पीरियोडिक लॉ इट स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो हमारे पास मेडलव ने पीरियोडिक टेबल दिया, वो हमारे पास एटॉमिक मास के आधार पर उसने जो है पीरियोडिक टेबल्स को दिया। तो जो हमारे पास मॉसले ने 1913 में बताया कि जो हमारे पास मेडलव ने पीरियोडिक टेबल दिया वो गलत बताया उन्होंने, कि जो पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स हैं उसको एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो उसने इसको गलत साबित किया, और उसके बाद हमारे पास आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आज जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो हम पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हैं हमारे पास, उसको हमारे पास मॉसले लेके आए। तो जान लेते हैं मॉसले ने क्या कहा। मॉसले ने बताया, इन 1913 मॉसले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ The physical and the chemical properties of the elements are the periodic tables functions of their atomic masses, atomic number, sorry. जो हमारे पास modern periodic table लेके आए मॉसले 1913 में, उन्होंने बताया कि जो atomic atoms हैं या elements जितने भी periodic tables में हैं वो atomic number के आधार पे arrange की जाएगी, तब जो है हमारे पास सही जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, यहां से चार क्वेश्चंस हमारे को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है हमारे पास, मेडलव है। ठीक, क्योंकि मेडलव ने सबसे पहले लेके तो आए मेडलव ही। ठीक है, बट अगर मेडलव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया एक अलग बात है। ठीक है, और मेडलव सबसे पहले पीरियोडिक टेबल लेके आए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। तो मेडलव जो है आपको आंसर्स करना है कि मेडलव ने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन बन जाता है कि मेडलव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन। तो मेडलव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो आपके पास जो है एटॉमिक मास के आधार पर दिया था, तो बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया कि मेडलव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, आपको एटॉमिक मास वाला ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां से बनेगा कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास 1913 में मॉसले ने दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनेगा, मेडलव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द। ठीक है, जो मेडलव पीरियोडिक टेबल्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, या क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल रो है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल्स हैं उसमें जो है 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रो हैं, द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल्स इज कॉल्ड द पीरियड्स एंड आर 7 पीरियड्स एंड दीज आर 7 पीरियड्स। ठीक है, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल्स हैं, मैं आपको पीरियोडिक टेबल्स बता दूंगा, हम मेरे पास जो है हम पीरियोडिक टेबल को भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम जो होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल्स इज नोन एज द ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और 18 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल्स में आपको बता ही देता हूं फ्रेंड्स, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल रो की बात जो है पहले की गई थी, जो हॉरिजॉन्टल रो हमारे पास आते हैं इस तरह से अरेंज किया जाता है, तो 7 हॉरिजॉन्टल रो है हमारे पास। ठीक है, आप देख रहे होंगे, और जो वर्टिकल कॉलम है, कॉलम हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, तो 18 कॉलम है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आपको 18 तक दिखने को मिलेंगे। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम है हमारे पास। तो यहां से भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में देखा है, पूछ लेते हैं कि द हॉरिजॉन्टल विच ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, तो हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, और 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। ठीक है, फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, आपने देखा अभी मैंने आपको बताया कि जो नीचे को हमारे पास दिए होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास और सेकंड ग्रुप जो है उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल्स में इकट्ठी जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बता दूंगा। पहले हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सी होती हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सी हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द NS1 configurations are called alkali metals। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, alkali metals बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को उनकी जो configurations होती हैं NS1
कन्फिग्रेशन होती हैं हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की। अगर हम सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो उनको बोलते हैं एल्केलाइंस अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो जो हमारे पास एल्केलाइंस अर्थ मेटल्स होती हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। NS2 उनकी कन्फिग्रेशन होगी, ये मैंने आपके पास यहाँ पे बताया है, द NS2 कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहां से भी कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं एल्केलाइन मेटल्स बोलते हैं और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछी जा सकती है, नेमिंग भी पूछी जा सकती है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं या सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं। एग्जाम में काफी बार यहां से क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है। नेक्स्ट है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है यहां से भी क्वेश्चन। जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1 to 2, ठीक है, NS1 to 2। आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं सभी जो हैं सॉफ्ट मेटल्स हैं। नेक्स्ट है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं लो मेल्टिंग पॉइंट है उनके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास दे आर द हाईली रिएक्टिव इन नेचर्स। जो पीरियोडिक टेबल्स हैं उसमें जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जितनी भी हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप टॉप टू बॉटम अगर हम नीचे को जाते हैं या डाउन द ग्रुप जो नीचे को जाते हैं तो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं, तो इंक्रीज करती हैं टॉप टू बॉटम्स रिएक्टिविटी, ठीक है। तो दे आर द हाईली रिएक्टिव इन नेचर्स, द रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप्स। यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। तो हमारे पास सीजियम भी आ सकती हैं, फ्रेंसियम भी आ सकती हैं। फ्रेंसियम लास्ट एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है। तो जो है फ्रेंसियम जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल्स में, ठीक है। और उसके ऊपर जो है सीजियम है, उसके बाद सीजियम का नंबर है, उसके बाद पोटाशियम का है। इसी तरह जो है अरेंज की गई है जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, जो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं फ्रेंसियम, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास दे फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। जो हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जब वो कंपाउंड बनाती है किसी अदर एलिमेंट्स के साथ तो वो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है। NaCl जो है एक आयनिक कंपाउंड है। दे लॉस वन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स शो द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, टेट में भी पूछी जाती है और कमीशन में भी जो है पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं इस एक वीडियो में आपके लिए सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ही लेके आऊँगा कि जितने भी कंपाउंड हैं हम लेंगे काफ़ी, तो हम डिस्कस करेंगे ट्रिक के माध्यम से, आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है उसकी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जो फिफ्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं द मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट द एलिमेंट्स कलर्स टू द फ्लेम्स। जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जब वो जलती हैं तो कलर्स देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉमन सी बात है क्योंकि जो मेटल्स हैं हमारे पास वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की तो गुड कंडक्टर ही होगी, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जितनी भी हैं मेटल्स हैं हमारे पास और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है सेवन प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारे पास जो फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने देखी थी, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टीज जो थी, काफी बार यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एलिमेंट्स हैं उसमें अगर मैं लिथियम और बेरिलियम की बात करूँ तो आयनिक जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी बना देती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है विच एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर फर्स्ट कोवलेंट इन नेचर्स, तो लिथियम जो है और बेरिलियम जो है वो कोवलेंट नेचर शो करती हैं। ये क्वेश्चन भी आपने ऐड कर लेना है, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। अब हम टॉपिक पे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द बैलेंस पी सबसेल्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसका लास्ट सबसेल जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल्स में होगा उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 to 18 अगर हम जाएं तो वो सभी जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास नॉन मेटल है सारी की सारी। आप देख सकते हैं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन, ये सभी जो है नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ पे अरेंज की गई हैं पीरियोडिक टेबल्स में, तो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द नॉन मेटल्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स,
यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, NS2 NP126 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट है, द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर्स। जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं मैक्सिमम जो हैं ये शो करती है हमारे पास कोवेलेंट इन नेचर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट द एलिमेंट्स कोवेलेंट इन नेचर्स। ठीक है, द मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर कोवेलेंट इन नेचर्स। नेक्स्ट है, द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करती हैं। और द एलिमेंट्स थर्ड है, द एलिमेंट्स प्रेजेंटिंग ग्रुप 18 आर नोबल गैस, नोबल गैसेस हैव NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशंस। जो हमारे पास एलिमेंट्स होती हैं ग्रुप नंबर 18 की उनको हम नोबल गैस एलिमेंट्स, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनर गैस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनर गैस एलिमेंट्स भी उनको बोला जाता है। और जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स होती हैं फुली फिल्ड होती हैं, उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए जो है नोबल गैसेस एलिमेंट इनको बोला जाता है। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे लिखी हैं, NS2 NP6 जो होती हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारे पास 18 ग्रुप एलिमेंट्स की। आप देख रहे होंगे एस जो है एस ऑर्बिटल्स होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि इसमें जो है 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि फुली फिल्ड है हमारे पास एस 18 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए इनको नोबल गैस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 17 ग्रुप आर कॉल्ड हैलोजन्स। जो हमारे पास 17 ग्रुप की एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन्स एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो 16 ग्रुप की एलिमेंट्स हैं उनको हम चैल्कोजन्स एलिमेंट्स बोलते हैं। काफ़ी बार यहाँ से भी एग्जाम देखने को मिला है। ठीक है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द हैलोजन्स एलिमेंट्स, ठीक है सॉरी विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द हैलोजन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 18 की जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन्स एलिमेंट्स हैं। या आपको नेमिंग पूछ लेंगे कि विच एलिमेंट्स ऑफ द 18 ग्रुप एलिमेंट्स, तो हैलोजन एलिमेंट्स जो हैं हैलोजन या फैमिली हैं उसको हम क्या बोलते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, और 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजन एलिमेंट्स बोला जाता है, और 16 ग्रुप एलिमेंट्स को चैल्कोजन एलिमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी सबसेल्स। जिन एलिमेंट्स का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है डी सबसेल्स में है उसको हम क्या बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स अरेंज की जाती हैं ये ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच में जो हैं 12 तक इन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ग्रुप नंबर 3 to 12 अगर हम जाते हैं तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर बात करूं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो N-1 डी 1 to 10 NS-1 to 2 जो हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास आ जाती हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट इज द ट्रांजिशंस एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशंस एलिमेंट्स होता है कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बन जाता है क्योंकि काफी बार मैंने देखा है एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशंस एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होती हैं उनको ट्रांजिशंस एलिमेंट्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स N-2 F-1 to 14 और N-1 D-0 to 1 NS2 इसकी जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स बोलते हैं, जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, और जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उन्हें नोबल गैसेस एलिमेंट्स कहा जाता है, और जो ग्रुप नंबर 17 है उसे हैलोजन्स एलिमेंट्स कहा जाता है, और ग्रुप नंबर 16 जो है उन्हें चैल्कोजन्स एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांजिशंस एलिमेंट्स बोलते हैं हम, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है विच एलिमेंट्स ऑफ द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, तो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट्स इज द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, और एफ ब्लॉक ये भी क्वेश्चन आ जाता है विच एलिमेंट्स ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं ट्रांजिशंस एलिमेंट्स बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ वहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है
ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी टॉपिक उठाए गए हैं वही टॉपिक उठाए हैं जहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई, जिसे हम एटॉमिक साइज भी कहते हैं, ठीक है। तो जो एटॉमिक साइज होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज होता है सबसे बड़ा होता है, और जो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं ग्रुप नंबर 18 हमारे पास आ जाता है लास्ट में, तो 18 ग्रुप एलिमेंट्स जो होती हैं, सपोज हीलियम फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 18 ग्रुप की, तो सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज जो है, सबसे कम जो साइज होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स में हीलियम का होता है, ठीक है। द एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स इज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। जो एटॉमिक रेडियाई है हमारे पास वो क्या करती है, डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज जो है सीजियम का यहां पे लिखा है, सीजियम के नीचे भी वैसे एक और एलिमेंट्स आ जाती हैं जिसे एफ आर से हम डिनोट करते हैं, फ्रेंसियम इसको बोलते हैं। तो हाईएस्ट जो है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज जो है फ्रेंसियम का है, अगर फ्रेंसियम नहीं दिया है तो सीजियम का है, अगर सीजियम नहीं दिया है तो हमारे पास पोटाशियम का है, अगर पोटाशियम नहीं दिया है तो उससे ऊपर की जो सॉरी उससे नीचे एक और एलिमेंट है रिबेडियम, तो रिबेडियम का हाईएस्ट एटॉमिक साइज है, ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट एटॉमिक साइज है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, विच एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द स्मॉलेस्ट इन स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। तो आपको पता है कि जो एलिमेंट्स एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट टू राइट अगर इस तरफ जाता है तो वो डिक्रीज कर रहा है, अगर इस तरफ आता है तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरफ अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप 18, लास्ट ग्रुप जो हमारे पास 18 आता है, 18 ग्रुप की फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सी है, हीलियम्स, तो हीलियम्स का जो है सबसे कम साइज देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियाई या आयनिक एनर्जी भी से हम बोलते हैं, ठीक है। जो आयनिक एनर्जी है वो भी हमारे पास सिमिलर जो है एटॉमिक रेडियाई की तरह ही वर्क करती है, ठीक है। वैसे मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं आपको, द आयनिक एनर्जी ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स इज इंक्रीज डाउन द ग्रुप्स एंड डिक्रीज लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चंस वही बनेंगे, ठीक है, बस एटॉमिक रेडियाई की तरह जो जगह है वो हमारे पास आ जाएगी आयनिक रेडियाई या आयनिक एनर्जी। तो हाईएस्ट आयनिक एनर्जी हमारे पास फ्रेंशियम की होती है और सीजियम की होती है, और लोएस्ट आयनिक एनर्जी जो है वो हमारे पास हीलियम की होती है, सॉरी नहीं हीलियम की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी, ठीक है। द चेंज इन द इंथाल्पी विच टेक्स प्लेस व्हेन द गैसेस एटम्स गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द मोनोवेलेंट एनायंस ऑल्सो इन द गैसेस स्टेट्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी है ये बोलता है कि जो मोनोवेलेंट आयंस होते हैं, मोनोवेलेंस का मतलब ये है कि जो हमारे पास जिसके पास एक वैलेंसी होती है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसको गेन करने की जरूरत होती है, उसके बाद वो नोबल गैस एलिमेंट्स की तरह हर एलिमेंट्स चाहती हैं कि वो परफेक्ट बन जाए, ठीक है। जैसे हर एक आदमी चाहता है कि हम परफेक्ट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडियल है ये, ठीक है। तो आइडियल गैसेस बोला जाता है ग्रुप नंबर 18 को, ठीक है। तो आइडियल्स का मतलब है कि फुली फिल्ड है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें जो है हर एलिमेंट्स आ रही, हर उसका जो बैलेंस सेल है वो फुली फिल्ड है, ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी की, ठीक है। तो फुली फिल्ड बनना हर एलिमेंट चाहती है, तो अगर हम 17 ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन दे दें, 17 ग्रुप की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन और दे दें या गेन करवा दें उनको, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, वो हमारे पास क्या बन जाती है, नोबल गैस एलिमेंट्स बन जाती हैं, ठीक है, आइडियल गैस एलिमेंट्स बन जाती हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती हैं, ठीक है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी होती है कौन सी एलिमेंट्स की होती है पीरियोडिक टेबल्स में, तो हमारे पास वो एलिमेंट्स होती हैं क्लोरीन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन यही बनता है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी हमारे पास क्लोरीन की है, ठीक है। इससे पहले वैसे फ्लोरीन भी आता है, बट फ्लोरीन का नंबर इसके बाद आता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी हमारे पास क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, सॉरी फिर ब्रोमिन, फिर आयोडीन, ठीक है, जो ग्रुप नंबर 17 है उसकी जो है मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी होती है, बट उसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी किस एलिमेंट्स की होती है, तो क्लोरीन है, क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ द एटम्स फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल्स बॉन्डिंग्स, ठीक है। जो हमारे पास केमिकल्स बॉन्ड सबसे ज्यादा जो है शेयर पेयर बनाती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ अदर कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, केमिकल्स बॉन्डिंग में, वो हमारे पास है फ्लोरिन, ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द फ्लोरिन, यही क्वेश्चन यहां से बन जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरिन, जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगी, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हमारे पास आता है। नेक्स्ट है यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द पीरियड्स
पीरियोडिक टेबल्स इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इन करेक्टर्स, ठीक है, विच एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन करेक्टर्स, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर शो करती हैं। लास्ट में हम करेंगे इसके जो हमारा चैप्टर था इसके कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो मैंने साथ साथ ही क्वेश्चंस जो हैं डिफाइन भी किए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके भी आया हूं जो हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस हैं एन एलिमेंट्स विद कॉन्फ़िगरेशंस AR आर्गन 3D2 4S2 बिलोंग्स टू, आपको बताना है कौन से पीरियड से बिलोंग करती हैं ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट्स की हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि एस ब्लॉक कहेंगे कि एस ब्लॉक है इसका राइट आंसर, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं, बट ऐसा नहीं है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एस ग्रुप एस पीरियड्स हैं, आप देख रहे होंगे कि उस एस ऑर्बिटल्स जो हैं फुली फिल्ड हैं क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स जो होता है, डी सब सेल्स जो हमारे पास हैं उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें, तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो डी ब्लॉक जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, तो मैंने आपको बताया था मॉडल, अगर मॉडल पीरियोडिक टेबल दिया होता तो आपको मॉडल पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरी जो जिसने की है उसको बताना था, पर आपके पास पूछा है सिंपल्स हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, तो हमारे पास सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने दिया, मोस्ले ने दिया। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता तो तब मोस्ले होना था। अगर पूछा है हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स तो हमारे पास कौन है, मेडलव जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स 18 ग्रुप आर कॉल्ड, तो 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स बोलते हैं। वैसे फर्स्ट जो ऑप्शंस हैं एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को जो है हमारे पास एल्कली मेटल्स होती हैं, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशंस एलिमेंट्स होती हैं, और हैलोजन जो हैं वो 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली या हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, या यहाँ पे तो सिंपल लिखा है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास कौन सी हैं, सीजियम इज द राइट आंसर, क्योंकि सीजियम टॉप टू बॉटम है हमारे पास, ठीक है, सबसे नीचे वाली एलिमेंट्स है। वैसे फ्रेंसियम से ऊपर वाली है, फ्रेंसियम यहाँ पे नहीं दिया है, अगर फ्रेंसियम दिया होता तो फ्रेंसियम राइट आंसर रहना था, ठीक है, अगर फ्रेंसियम नहीं दिया तो सीजियम आपने राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आयनिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स, तो वही बात आ गई है, पोटेशियम जो है आयनिक एनर्जी जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है, पोटेशियम की होती है, क्योंकि जो है टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई भी हमारे पास इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 17 इज, तो 17 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन्स एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड्स हैव, ऑप्शन ए दिया है स्मॉलेस्ट इन स्मॉलेस्ट साइज, आपको पता है जो हमारे पास एल्कलाइन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उसका स्मॉलेस्ट साइज नहीं होता, उसका हाइएस्ट इन साइज होता है, ठीक है, और सेकेंड दिया है लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आई ई है उसको डिनोट किया गया है, वो उसका जो आयनिक एनर्जी है उसको डिनोट किया जाता है आई ई से, ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात कोई नहीं है, इसका मतलब है आयनिक एनर्जी, ठीक है, तो हाईएस्ट इन आयनिक एनर्जी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होती हैं हाईएस्ट आयनिक एनर्जी होती है उनके पास, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं डाउन द ग्रुप जाएं तो हाईएस्ट आयनिक एनर्जी होती है एल्कली मेटल के पास, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन वैसे दिया है द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो आपको पता है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं फ्लोरिंस, उसकी जो है पीरियोडिक टेबल्स में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी बन जाता है विच एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 17 इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो ग्रुप नंबर 17 हैं उसकी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है फ्लोरिन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर ऐसे पूछा है कि विच एलिमेंट्स ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स चूज करनी है, अगर 17 ग्रुप की पूछा है तो फ्लोरिन है, ठीक है, तब आपको फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट्स चूज नहीं करनी है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,